अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करूंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है आपके पास, इफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू दिस, सेट ए इज इक्वल टू दिस एंड सेट बी इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वो तीन सेट्स दिए हुए, बट आप जो है वो गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेट्स आपको दिए हुए वो टेब्यूलर फॉर्म में नहीं दिए हुए, तो सबसे पहले आपने इनको जो है वो टेब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए यहाँ पे, तो आपने इनको टेब्यूलर फॉर्म बनाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट में देखें आप, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि जो आपने यूनिवर्सल सेट यहाँ पे लिखना है या उसके एलिमेंट जो लिखने हैं वो होंगे आपके पास नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो है वो वन से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर का जो भी सेट होता है वो वन से स्टार्ट होता है आपके पास, और यहाँ पे आपको लिमिट दी हुई है एन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 11। ठीक है, इट मीन्स कि आपने जो है वो नेचुरल नंबर का सेट लिखना है 11 तक, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे दिया हुआ, इट मीन्स कि 11 भी जो है वो सेट का हिस्सा होगा। तो यहाँ पे आप किस तरीके से लिखेंगे टेब्यूलर फॉर्म में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास सेट ए जो कि है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर। ठीक है, अब आपने जो है वो सेट ए यहाँ पे लिखना है जो कि इवन नंबर का सेट होगा, एन टू लेस देन एक्स लेस देन 10। ठीक है, यहाँ पर अब आप गौर से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेस देन के साइन है उसके नीचे आपके पास इक्वल टू नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो आपने जो है वो किस तरीके से इसको रीड करना होगा या कैसे इसको जो है वो लिखना होगा, यहाँ पे देखें आपके पास लिखा हुआ है टू लेस देन एक्स, टू लेस देन एक्स, टू छोटा है एक्स से, इट मीन्स के एक्स बड़ा है टू से। ठीक है, अगर इसी चीज को आप रिवर्स करके देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है वो आपने इसको रीड करना और कैसे जो है वो आप यहाँ पे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। टू छोटा है एक्स से, इट मीन्स एक्स जो है वो यहाँ पर बड़ा है टू से। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप इस सेट के एलिमेंट को लिखेंगे वो टू से बड़े होने चाहिए इवन नंबर। ठीक है, और मजीद आगे आप इसे इसी तरीके से रीड करेंगे, और एक्स यहां पर आपके पास एक्स जो है वो टू से बड़ा है बट एक्स जो है वो छोटा है टेन से। ठीक है, इतने पार्ट को आप इस तरीके से रीड करेंगे और ये रेस्ट ऑफ द पार्ट है इसका वो आप ऐसे ही रीड करेंगे, तब आप जो है वो इसकी मदद से यहां पे जो है वो सेट लिख सकते हैं टेब्यूलर फॉर्म में। ठीक है, तो एक्स जो है वो बड़ा है टू से, इट मींस टू से बड़े आपके पास इवन नंबर हो जाएंगे 4, बट लिमिट आपको दी हुई है कि एक्स जो है वो छोटा है 10 से, इट मींस के 10 से छोटा आपने यहां पर जो है वो 8 तक लिखना है। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं 4, 6, 8, टू से बड़े हो बट 10 से छोटे हो, तो वो आपके पास सिर्फ ये आ जाएंगे 4, 6 एंड 8। उसके बाद आपके पास है सेट बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड 3 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 11। ठीक है, अब आपने प्राइम नंबर का सेट लिखना है, तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, और आपके पास जो है वो दोनों लिमिट्स यहाँ पे दी हुई है 3 एंड 11। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां पर आपके पास जो है वो लेस देन और इक्वल टू दिया हुआ है, इट मींस कि ये जो नंबर्स हैं या ये जो लिमिट्स हैं आपके पास सेट का हिस्सा हैं, तो यहां पर आप जो है वो इजीली इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको इस तरीके से रिवर्स करके जो है वो रीड करने की जरूरत नहीं है, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये आपके पास प्राइम नंबर्स आ गए, ये वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। अब आपने देखें जैसे इनको जो है वो सेट बिल्डर से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब आप यहां पे जो है वो इस तरीके से प्रूफ की हेडिंग लगा देंगे। देखिए आप यहां पर जो है वो सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ लिख लें, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉस की आप हेडिंग यहां पे लगा देंगे। सबसे पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि दोनों लॉस हैं क्या,
ठीक है, ये आपके पास दोनों लॉज हैं, डी मॉर्गन्स लॉज मैंने यहाँ पे लिख दिए। सबसे पहला है आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा इसी का ही जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा। तो अब आप सबसे पहले जो यहाँ पे लॉ लिखेंगे, फर्स्ट लॉ ले लेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है वो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ले लिया, अब आपने इसको जो है वो वेरीफाई करना है। जैसे ही फर्स्ट लॉ का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम सेकंड लॉ से भी इसको जो है वो वेरीफाई कर लेंगे अपने सेट्स को। तो देखिए यहाँ पर आप ले लेंगे कोई भी साइड, जैसे कि हम हमेशा लेते हैं, ठीक है। आपने आप मैंने यहाँ पे जो है वो राइट हैंड साइड पहले ले लिया, तो राइट हैंड साइड आपका है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ पे फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि होगा यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास, 1 से लेके 11 तक का सेट है, बीच में आ जाएगा आपके पास ये माइनस का साइन, और सेट ए के एलिमेंट्स हैं आपके पास 4, 6 एंड 8। अब देखिए दोनों सेट्स का डिफरेंस आपने जो है वो फाइंड करना है, तो ये क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो इस फर्स्ट सेट में आपके पास एलिमेंट बच जाएंगे वो आपका रिजल्ट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, अब आपने इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है यहां पे, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। अगेन आप यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, उसके बाद आप सेट बी लिखेंगे जो कि है 3, 5, 7, 11। ठीक है, अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्या है कि इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन जो है वो आपने फाइनली फाइंड करना है। तो यहां पे हम ये साइड दोबारा से कॉपी कर लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट लिखेंगे जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया है, बीच में आ जाएगा आपके पास इंटरसेक्शन का साइन, और उसके बाद सेट बी का, सॉरी ये बी कॉम्प्लीमेंट का सेट जो है वो आप यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इधर लिख दिया। अब देखिए इन दोनों सेट्स के दरमियान जो है वो आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो देख लें यहाँ पे क्या क्या चीजें इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो आपके पास आ रहा है 1, 2, 9 एंड 10। तो ये आपका जो है वो राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी चीज के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है, इट मींस कि वो चीज जो है वो आपके पास पूरी यू में से माइनस होगी। यानी कि इसको लिखने का या फाइंड करने का तरीका आपके पास क्या होगा कि आपने ये चीज लिखी और ये चीज किसके इक्वल होगी, यू में से आप इस पूरे ब्रैकेट को माइनस कर देंगे, क्योंकि जिस भी चीज के ऊपर आपके पास कॉम्प्लीमेंट होता है वो पूरी चीज आपके पास यू में से माइनस हो जाती है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो यहां पे सबसे पहले ए यूनियन बी को फाइंड करना है। तो सेट ए आपके पास क्या है, यहां पे सेट ए है आपके पास 4, 6 एंड 8, बीच में आ जाएगा आपके पास यूनियन का साइन, एंड सेट बी है आपके पास 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये सेट ए आ गया, ये सेट बी आ गया, दोनों के दरमियान आपने यूनियन फाइंड करना है। तो देखिए इनको अल्फाबेटिकल सॉरी नंबर वाइज जो है वो आप इनको ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास 3, फिर आ जाएगा आपके पास 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यहां पर आपने जो है उसको
अरेंज करके लिख दिया, 8 के बाद आपके पास आ जाएगा 11। तो ये आपने जो है वो ए यूनियन बी यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब देखिए इस पूरी चीज को जो है वो आप दोबारा नीचे जो है वो कॉपी कर लें। ठीक है, तो आपने जो है वो ये चीज दोबारा नीचे कॉपी कर ली। अब देखिए यहां पर आपके पास जो है वो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट आ गया माइनस, उसके बाद आपने लिखना है ए यूनियन बी का रिजल्ट जो के है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11। ठीक है, अब आपने जो है वो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को माइनस करना है। अब इस फर्स्ट सेट में आपके पास जो एलिमेंट बच जाएंगे 1, 2, 9, 10। ठीक है, तो यहां पे भी देख सकते हैं आप राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी आपके पास 1, 2, 9, 10 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी आपके पास 1, 2, 9, 10। तो दोनों साइड्स आपके पास सेम आ गई और सवाल जो है वो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब सेकंड लॉ है इसी तरीके से आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपके पास जो है वो सेकंड लॉ आ गया। यहां पे मैं राइट हैंड साइड पहले ले लूंगी। अब आपने जो इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स के दरमियान यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे जो कि है यू माइनस ए के इक्वल। सेट ए है आपके पास, ठीक है, यहां से आपने जो है वो 4, 6, 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास बच जाएगा 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11। अब इसी तरीके से जो है वो यहां पर आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। इसमें से आप माइनस कर देंगे सेट बी को जो कि है 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये आपके पास दो रिजल्ट्स आ गए। अब आपने इन दोनों रिजल्ट्स के दरमियान जो है वो यूनियन फाइंड करना है, तो राइट हैंड साइड आप दोबारा नीचे कॉपी कर लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट है आपके पास 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11। इसे आप यूनियन कर देंगे, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ जो कि है 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, आपने इन दोनों सेट्स को जो है वो यूनियन करना है, इट मीन्स कि आपने इनके एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। तो इनको थोड़ा सा जो है वो ऑर्डर वाइज आप लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, जो सेम है उनको आपने जो है वो वन टाइम लिख दिया और बाकी जो है वो दोनों एलिमेंट्स को, दोनों सेट के एलिमेंट को आपने इस तरीके से कंबाइन कर दिया। तो ये आपकी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये आपका जो है वो राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आपने सबसे पहले जो है वो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। तो सेट ए है आपके पास 4, 6, 8 एंड सेट बी है आपके पास 3, 5, 7, 11।
ठीक है, दोनों सेट्स के दरमियान जो है वो आपके पास किसी किस्म की इंटरसेक्शन नहीं हो रही, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा नल सेट। ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट आपके पास आ गया नल सेट। अब आपने क्या चीज करनी है, इस पूरी साइड को जो है वो दोबारा नीचे कॉपी कर लेंगे, यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें से हम माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी के रिजल्ट को जो कि है नल सेट। तो जब आप इस सेट में से नल सेट को माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो ये सेट दोबारा आ जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई एलिमेंट्स नहीं है आपके पास। तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो फर्स्ट सेट में आपके पास एलिमेंट बच जाते हैं वो आप जो है वो नीचे रिजल्ट के तौर पे लिख देते हैं, तो इसलिए ये पूरा सेट जो है वो एज अ रिजल्ट यहां पे जो है वो आपने कॉपी कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड भी आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 1 से लेके 11 तक तमाम एलिमेंट्स हैं। यहां पर भी आपके पास जो है वो 1 से लेके तमाम एलिमेंट्स हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ठीक है, दोनों लॉस से जो है वो आपने इनको वेरीफाई कर लिया। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।